those who are doing heavy exercises like gym and all, then muscles they start hardening up, उससे joints के ऊपर बुरा असर पड़ते जाएगी and arthritis. तो सर क्या हम यहाँ पे एक revelation कर रहे हैं कि जिम की वजह लोगों को योगा की तरफ ज्यादा आना चाहिए? Of course. कि अपना जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये बॉडी स्ट्रक्चर सिर्फ बैठने के लिए नहीं है. ये जो कुर्सी है अपने को योगा चेयर हो सकता है. यही कुर्सी को मैं अभी आप देखिए कैसे मैं उल्टा करके लुक एट दिस चेयर हाउ आई एम मेकिंग इट टर्निंग इट एंड कीपिंग लाइक दिस. जब हम बैठते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जैसे आप माउस पकड़े हैं ये शोल्डर नीचे गिरेगा या धीरे धीरे एक ऐसा डिफरेंस चालू हो जाएगी ये नीचे गिरता ही जाएगा और ये ऊपर उठेगा. और स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज को सॉल्व करने के लिए जैसे कि शोल्डर प्रॉब्लम एंड सर्वाइकल के लिए आपको ऐसा बैठना है तो फिर लंग्स का कैपेसिटी अच्छा रहा ना तो फिर हार्ट का कैपेसिटी भी बराबर रहेगा. ओके सो लंग्स और हार्ट इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं. ऑफ कोर्स एंड दिल्ली बॉम्बे या बैंगलोर यहां पे यू नो जो पोल्यूशन है वो ऑफ द रूफ है तो वहां पे तो आई गेस ये मैंडेटरी कर देना चाहिए लोगों को. जैसा ही आपका ए पैर इसके ऊपर आ गया तकरीबन पेन थम जाएगी. ओह यस साइटिका वाला पेन. आप ऑफिस के कुर्सी के ऊपर बैठे हैं या इवन कमोड के ऊपर बैठे हैं या टेबल के ऊपर जब आप घर में जाके अपने सोफा का ऊपर बैठते हो घंटों तक पैर नीचे ही रहता है तो इससे ब्लड पूरा ऊपर नहीं आता है. योगा वाले योगा जो करते हैं उनको इंटरनल ब्यूटी का एहसास होती है. जो लोग सिर्फ जिम 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 और यू नो वो पाउडर खा खा के सिर्फ अपने यू नो डोले शोले फुलाते हैं सर थोड़ा सा उनको एक रियलिटी चेक दीजिए. हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब और पैसे कमाते कमाते कहीं पीठ दर्द पेट दर्द कमर दर्द गर्दन दर्द ऐसी परेशानियों से परेशान तो नहीं हो रहे हैं? कब तक वो दवाइयां खाओगे पेन किलर्स खाओगे जबकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपके खुद के पास है. जिस कुर्सी पे आप बैठते हैं उन्हीं के पास है और ये सॉल्यूशंस देने आए हैं आपको एक सेलिब्रिटी योगा इंस्ट्रक्टर विद ओवर 30+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अयंगर इंस्टीट्यूट से सीखे हुए डॉक्टर अभय केसरी जी. सर नमस्कार. सो सर इससे पहले कि हम स्टार्ट करें डायरेक्ट यू नो क्योंकि बहुत सारे लोग आज परेशान हैं देख रहे हैं वो बेचारे देख भी रहे हैं तब भी गलत पोजीशन में ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक बार शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना खुद का हो जाए. सी मैं बेसिकली डॉक्टर हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर. तो जर्नी ऐसा चालू हो गया कि पिताजी के साथ मैं जब स्कूल को जाता था थोड़ा बहुत योगा करता था उस वक्त मैं योगा में बहुत सीरियस नहीं लिया था. लास्ट ईयर मुझे एक प्रॉब्लम होने लगी तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोल के एक इन्फेक्शन का ऊपर वाला जो ट्रैक है वो लाल हो जाती है तो डॉक्टर के हिसाब से एंटीबायोटिक वगैरह लेने लगा उसका असर बहुत बुरा पड़ने लगा एंड देन पिताजी बोलने लगे कि अब तो योगा करो. देन आई स्टार्टेड डूइंग सम शीर्षासन सर्वांगासन है वो करने लगा और मैं ठीक होने लगा. तो पिताजी के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैं इंस्टीट्यूट पुणे को गया और वहाँ सीखने लगा. वहाँ इतना अच्छा लगा क्लास में कि वहाँ एनर्जी इतना बढ़ जाती थी मेंटली भी इतना फ्रेश हो जाते थे तो मैं सोचने लगा कि इसको क्यों अपना प्रोफेशन ले लूँ. तकलीफ भी हो गई क्योंकि उस वक्त 1994 वहाँ योगा ज़्यादा प्रचार नहीं था. रिस्क लिया मैं योगा करने लगा दूसरों को सिखाने लगा अपने गाँव में. दो ऐसा सिचुएशन होने लगी कि दो लोग ऐसे आ गए उनके जगह पे कंस्ट्रक्शन योगा सेंटर कंस्ट्रक्शन के लिए वो एक चांस दे दिया और वही कंस्ट्रक्टेड योगा सेंटर अब हम दो योगा सेंटर चला रहे हैं और वहाँ थेरेपी क्लासेस चलते हैं और लोगों का हेल्थ अच्छा करने के लिए ग्रुप क्लास भी चलती है. ऑलराइट सर बहुत सारे लोग यहाँ पे अब इंटरेस्टेड हैं उस पार्ट के लिए जिसके लिए उन लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है. बेचारे दर्द से परेशान हैं पैसे की माया ऐसी है सर आज के ज़माने में आप तो जानते ही हैं कि पैसे के चक्कर में एक बार तो इंसान अपनी हेल्थ को कह ही देता है कि एक बार पहले कमा लेता हूँ थोड़ा हेल्थ तो फिर खरीद ही लेंगे नहीं तो थोड़ी दवाई ले लेंगे नहीं तो डॉक्टर को दिखा देंगे. बट सर कहीं ना कहीं हेल्थ सही हर कोई रखना चाहता है बिकॉज अगर आपका हेल्थ ही सही नहीं है तो फिर यू नो वो पैसा भी आपको अच्छा नहीं लगता. तो सर स्टार्ट करते हैं बहुत सारे कॉर्पोरेट वाले वर्ल्ड के जो ये लोग देख रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारे लोग जो कि प्रिपरेशन करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तो आजकल यू नो सिटिंग ये जो इस कुर्सी पे हम बैठे हैं इसके ऊपर लोगों का प्यार इतना ज्यादा हो गया है कि चिपक ही गए हैं इन कुर्सियों से. तो सबसे पहले तो इन कुर्सियों को कैसे एक इंसान अपने यूज केस के लिए बढ़िया बना सके और जो ये दर्द है स्टार्टिंग फ्रॉम यू नो अगर एक इंसान बैठा रहता है तो हेडेक माइग्रेन और ये सारे इश्यूज देन कमिंग डाउन टू यू नो आईज के इश्यूज थकना और रेडनेस इन द आईज एंड देन एक एक करके सर सब लोग जानना चाहते हैं. आप लोग प्लीज स्टे ट्यून बिकॉज अब जो होने वाला है आपके घर में आपके ऑफिस में आपके स्टडी रूम में आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस वहीं मिलने वाले हैं.
नहीं जा सकते योगा सेंटर, नहीं जा सकते जिम, नहीं कर सकते वॉक, कोई बात नहीं, घर बैठे सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन अभी केसरी जी के साथ। सर स्टार्ट कीजिए। सी जहां आप बैठे हैं ये जो कुर्सी है अपने को योगा चेयर हो सकता है, और इतना कुछ हम योगा कर सकते हैं बैठे बैठे कि जो भी अपने को प्रॉब्लम आता है, बैकएक, सर्वाइकल, शोल्डर प्रॉब्लम, हेडेक, माइग्रेन, सब कुछ हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको जैसे आप रेगुलरली रोज आप चेयर का ऊपर बैठते हैं, वही रेगुलर चेयर आप एक टाइम पे आपको सुबह जाते ही ऑफिस जब चालू होते उससे पहले आप चालू करिए, एकदम सिंपल सा रहता है। बेसिकली थोड़ा बहुत आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अपना जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये बॉडी स्ट्रक्चर सिर्फ बैठने के लिए नहीं है, अपना जॉइंट्स और मसल्स जो भी है उसको मूवमेंट करना ही चाहिए। तो आजकल ऐसा बिजी स्केड्यूल हो गया है कि अपने को एक कंप्यूटर दिया गया है और चेयर दिया गया है और आप इधर उधर हिल नहीं सकते, लेकिन हिलना बहुत जरूरत है। तो फिर चलें एक बार आपको मैं बताता हूँ जी जो जरूर। पोस्चर जो है जब हम बैठते हैं ज्यादा से ज्यादा, जैसे आप माउस पकड़े हैं ये शोल्डर नीचे गिरेगा, या धीरे धीरे एक ऐसा डिफरेंस चालू हो जाएगी ये नीचे गिरता ही जाएगा और ये ऊपर उठेगा। तो योगा के हिसाब से सब डिफरेंस जो भी राइट और लेफ्ट साइड के बीच में चालू होता है उस वही एक वजह है कि प्रॉब्लम चालू होने वाला है, वो सर्वाइकल के लेके अपना हेडेक, माइग्रेन और जो भी ऊपर वाला जो हिस्से का प्रॉब्लम होता है वो दोनों के बीच में डिफरेंस चालू होते हैं वो। ये शोल्डर्स के लिए? या शोल्डर, शोल्डर जब आपके ऊपर नीचे होते हैं तब ये प्रॉब्लम्स आते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके ओके। हाँ तो बहुत सारे लोग, आप प्लीज एक बार अपने मिरर में जाके एक बार शोल्डर्स चेक कीजिए कहीं ऐसे तो नहीं हो रहे, तो प्लीज। हाँ सर आगे बढ़िए। यस, तो शोल्डर को पहले पीछे लेने का सोचना चाहिए। जैसे ही आपका शोल्डर पीछे जाने का शुरुआत हो जाएगी तब आपका चेस्ट ऊपर आ जाएगा। चेस्ट श्वासोश्वास करने के लिए है, शोल्डर जैसे गिरता ही जाएगा चेस्ट का ऊपर श्वासोश्वास का क्वालिटी कम होता ही जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शोल्डर को आपको पीछे लेना है। जैसे कि आप चलो एक या दो घंटा आप कंप्यूटर का ऊपर आप ऐसे काम कर रहे हैं, एक या डेढ़ घंटे का बाद आपको सिर ऐसे सीधा रखना चाहिए जो कि आपका श्वासोश्वास अच्छा होना चाहिए, और स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज को सॉल्व करने के लिए जैसे कि शोल्डर प्रॉब्लम एंड सर्वाइकल के लिए आपको ऐसा बैठना है, और जो भी आपका ये कुर्सी का हैंडल है उसका ऊपर थोड़ा दबाइए, दबा के ये जो मैं एल्बोस पीछे ले रहा हूं ना आपको ऐसा करना है। इससे क्या हो जाएगा कि आपका चेस्ट भी ऊपर आ जाएगा, शोल्डर रोल करके पीछे लेना है और पीछे से शोल्डर ब्लेड्स आपको अंदर दबा के ऊपर देख के एक 10 या 15 श्वासोश्वास करते रहना चाहिए जैसे कि मैं कर रहा हूं। So, 10 से 15 बार आप ये करेंगे आफ्टर एवरी 30-40 मिनट्स 50 मिनट्स। वैसे एक घंटे के बाद किया तो अच्छा ही है, हर एक घंटा जैसे कि आपका सीरियस काम चल रहा है और एक घंटे के बाद थोड़ा पॉज ले लो। जैसे आप पॉज लेते हैं ना, चाय पीने के लिए जाते हैं, कॉफी पीने के लिए जाते हैं, या इधर उधर थोड़ा बैठ के बातें करने के लिए जाते हैं, आप एक ही जगह पे बैठे हो गए इतना टेंशन बढ़ता ही जाएगा, दिमाग वाला टेंशन। तो दिमाग का टेंशन बढ़ने लगी वो मसल्स के ऊपर असर आ जाएगी, तो मसल्स ढीला करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मसल ढीला होता ही जाएगा, गर्दन ढीला होता ही जाएगा, दिमाग अपने आप ढीला होता ही जाएगा। तो फिर ये एक ऐसा रिवर्स जर्नी है कि अपना डिसीज यूजुअली क्या होती है, दिमाग का प्रेशर धीरे धीरे मसल्स के ऊपर पड़ता है और आपका फिजिकल प्रॉब्लम चालू होती है। ये सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम नहीं रहता, दिमाग से नीचे उतरा हुआ सर्वाइकल स्पोंडालासिस एंड शोल्डर प्रॉब्लम चालू होती है, इंक्लूडिंग ब्रेथलेसनेस और हाई बीपी और इवन पल्पिटेशन। ओके, सो सर आज के जमाने में तो ये 25-30 साल के लोग जो यंग इंडिविजुअल्स हैं उनको भी ये यू नो ब्रीदिंग इश्यूज, हार्ट अटैक्स और बहुत सारी एंजाइटी और टेंशन रिलेटेड इश्यूज हैं, ये उनको देगा, रिलीफ देगा? ऑफ कोर्स दे देगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आप करने लगे ना, इट्स नथिंग बट जैसे कि एक पानी कहीं कहीं से तो जा रहा है, कहीं तो बीच में एक कचरा आके बीच में बैठेगा और पानी थमता ही जाएगा। बार बार वो कचरा आपने निकाला ना, पानी फ्लो होता ही जाएगा। वैसा ही है, रोज आपने थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किया तो भी वो पानी थम नहीं जाएगा, या ब्लड सर्कुलेट होता ही जाएगा, या लंग्स का जो एक कैपेसिटी है वैसा ही रहेगा। तो फिर लंग्स का कैपेसिटी अच्छा रहा ना, तो फिर हार्ट का कैपेसिटी भी बराबर रहेगा। ओके, सो लंग्स और हार्ट इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं? ऑफ कोर्स रहता है। एंड दिल्ली, बॉम्बे या बैंगलोर जहां पे यू नो जो पोल्यूशन है वो ऑफ द रूफ है, तो वहां पे तो आई गेस ये मैंडेटरी कर देना चाहिए लोगों को, है ना? एवरीबॉडी, वेदर यू आर अ स्टूडेंट और वेदर यू आर अ प्रोफेशनल, आफ्टर एवरी 50-55 मिनट्स जो सर ने अभी बताया है, प्लीज उसे अप्लाई करना शुरू कीजिए। यू विल स्टार्ट टू सी अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन योर बॉडी इटसेल्फ, you'll start to feel light. Over. And sir, उसके बाद अगर हम एक इसके साथ और अगर कुछ add on करना चाहें, क्योंकि बहुत सारे लोग you know they face issues with their necks and बार बार अगर if somebody is like this for you know 8-8 hours, yes, या फिर yes. उनकी आंखों पे भी इतना strain पड़े जा रहा है, कुछ अपन कर सकते हैं? हाँ yes कर सकते हैं। See,
ये जो दिमाग के नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड आते हैं उससे जो ब्रांचेस आते हैं नर्व्स का, ब्रैकियल प्लेक्सस बोलते हैं, वो इतना हाथ का वजन के वजह से खींचता ही जाएगा, तो इसलिए उसका स्टेमिना कम होता ही जाएगा। एकदम सिंपल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों हाथ ऐसे कुछ देर के लिए इंटरलोकेट करके आपको ऊपर पकड़ना है, ऊपर पकड़ के सांस लेना है, छोड़ना है, ऐसा। ये इतना सिंपल है। हाथों का वजन नर्व्स का ऊपर से हटाओ बार बार, तो नर्व्स रिलैक्स्ड हो जाएंगे, सर्वाइकल स्पॉन्डालाइसिस नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा, नहीं आ जाएगा। टिंगलिंग नमनेस जो बोलते हैं ना, फिंगर में जो टिंगलिंग नमनेस आती है वो नहीं आ जाएगा। अदरवाइज आप ऐसा ही ठहरे, जैसे कि आपका शोल्डर एक दिन, एक महीना, एक साल, दस साल ऐसा ही रहा, तो फिर यहाँ कर्वेचर ज्यादा होता ही जाएगी, जो कॉनकेव पीछे से होता ही जाएगा। तो एक बार वैसा ही कॉनकेव आप सालों तक रख रहे हैं, नस का ऊपर दबाव पड़ेगा और सर्वाइकल स्पॉन्डलाइसिस हो जाएगी। जैसे अभी मैं पानी का एग्जांपल बता रहा था, जैसे ही आपका हाथ ऐसा जाएगा या ऐसा जाएगा, या आपको एक सिंपल सा एक उदाहरण बताता हूँ कि जो हम योगा में करते हैं भरद्वाज आसन, आपका ही चेयर ऐसा थोड़ा ऐसा ही जो हैंडल है इसको एज ए स्टॉपर यूज करिए, ये हाथ इधर गया, लेकिन ये हाथ का जो शोल्डर है आपका कुर्सी का जो पीछे वाला सीट है इसको लॉक करिए ऐसा, और ये हाथ से जोर से उठाना है, तो इससे क्या हो जाएगा, आसन के हिसाब से ये शोल्डर पीछे जाना चाहिए, रोल होना चाहिए, तभी तो यहाँ पीछे वाला जो मसल है ट्रापीजियम उसको हम पीछे पकड़ के ऐसे थोड़ी देर के लिए हम रख सकते हैं। तो एक एक बार उदाहरण ऐसा देता हूँ योगा क्लास में, जैसे अपना हेयर्स इधर उधर डोलते या बातें करते करते जैसे अपना हेयर्स बिगड़ जाते हैं, वैसे अपन भी मसल्स भी बिगड़ जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए कभी कभी एक घंटा या दो घंटे के बाद जैसे आपको टाइम मिलेगा ऐसा हाथ आप रखें ना, ये जो ट्रेपीजियम मसल्स है वो सेट हो जाएगी, और एक बार वो बार बार आप सेट करने का सीखने लगे तो फिर सर्वाइकल का जो प्रोसेस है वो थम जाएगी। कितना प्यारे तरीके से बताया गया कि जब हम यू नो अपने बालों को कभी वॉक करते रहते हैं तो हमारे बाल इधर उधर कैसे बिगड़ जाते हैं, एंड अगर हम उन्हें बार बार सेट ना करें तो कैसे हमारे यू नो लोग क्या कहते हैं कि यार अपने बालों को तो सेट कर लो, सेम उसी तरीके से आपकी मसल्स बार बार काम करते हुए और यू नो व्हेन यू आर बिजी वर्किंग इन एंड आउट आपकी मसल्स भी डिसलोकेट हो जाती है, डिसलोकेट तो क्या बोलेंगे बट वो अपनी जगह से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है और वो प्रेशर डालने लगती है बाकी ऑर्गन्स पे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर मेरे को एक बात बताइए, ये जो आपने बताया कितना कितना टाइम करना है और कितना मतलब मिनिमम से मिनिमम में कितने में हो जाएगा उनका काम? आपको दोनों तरफ 15 श्वासोश्वास करिए, जैसे अभी मैं बैठा हूँ, घूम के यहाँ लॉक कर दिया और दूसरा जो पार्ट है यहाँ लॉक कर दिया, ए लॉक एंड ए लॉक दोनों कर दिया, ये हाथ इधर लगाइए और अच्छी तरह ये घुमा के शोल्डर पीछे लेके 15 श्वासोश्वास करिए, इनहेल एक्सहेल। लेकिन सिर्फ श्वासोश्वास करना नहीं है, उसके साथ कुछ करना भी है। क्या करना चाहिए, ए हाथ से आपको चेस्ट को उठाना है और ये हाथ से अच्छी तरह कुर्सी का ऊपर दबाना है। जैसे ही ये हाथ आप दबाएंगे आप पीछे से देख सकते हैं कि मेरा टी शर्ट या मसल्स अंदर जाएंगे, मसल्स अंदर जा रहा है इसका मतलब अपना स्पाइन अंदर जा रहा है, जो कि रोज जैसे आप घंटों तक बैठ रहे हैं, पहले आप जब यंग एज में ऐसे बैठते थे धीरे धीरे शोल्डर्स गिरते गिरते आपका डॉर्सल स्पाइन जो है वो कॉन्वेक्स होता ही जाएगा, ये कॉन्वेक्स हो जाएगा और सिर्फ अपना गर्दन हिलेगा, ओनली गर्दन हिलेगी, यहाँ का झीज ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ हिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ शोल्डर के लिए नहीं है, सर्वाइकल स्पॉन्डालाइसिस के लिए नहीं है, ये हार्ट लंग्स के लिए भी है, माइग्रेन के लिए भी है। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डालाइसिस है उनको माइग्रेन आ सकता है, माइग्रेन का जड़ जो है आजकल सर्वाइकल स्पॉन्डालाइसिस है, तो सर्वाइकल इज ए सच ए कॉज विच लीड्स टू माइग्रेन, उसके साथ हाइपर एसिडिटी, उसके साथ इवन हाई बीपी, और एक बार सर्वाइकल आके बैठा ना वो एसिडिटी इतना बढ़ता ही जाएगा, खाने का क्वांटिटी है वो भी कम होता ही जाएगा। किस वजह से बताया आपने, सर्वाइकल की वजह? ओह यस, ओह माय गॉड। तो आई डोंट थिंक मतलब लोग तो सिर्फ अगर उनके खाने की अगर वो भूख कम होती है तो दे मोस्टली लाइक कि नहीं यार इच्छा नहीं हो रही, इच्छा नहीं हो रही, इच्छा नहीं हो रही, बट वो इच्छा क्यों नहीं हो रही?
आई डोंट थिंक कि अब वो एक्चुअली खाना भूख नहीं लग रही, वो ऐसी चीज भी नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाओ कि डॉक्टर मेरे को भूख नहीं लगती, बट वो रियलिटी जो आज आपने नब्स पकड़ी है कि किस वजह से हो सकता है। तो गाइस प्लीज जो ये बता रहे हैं प्लीज अप्लाई, कितना कितना टाइम लगता है? हार्डली 5 मिनट, बस उतना करिए, उतना करिए। 1 घंटे के बाद अगर आप अपने लिए 5 मिनट भी नहीं दे सकते तो फिर तो आगे का वीडियो देखने का आपको कोई सेंस ही नहीं बनेगा, बिकॉज 5 मिनट्स तो आपको खुद के लिए निकालने ही पड़ेंगे। एंड इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड लाइक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज ऑन डॉक्टर्स, दिस इज द बेस्ट वी कैन गिव यू। वी हैव गॉट द बेस्ट पीपल अक्रॉस द कंट्री टू हेल्प यू बी हेल्दी। अब इसके बाद इट्स टाइम फॉर एक्शन, इसके बाद दूसरी वीडियोज मत देखने लग जाइए। सर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, बहुत सारे लोगों को जो इंटेस्टाइनल इश्यूज हैं या फिर यू नो लोअर बैक इश्यूज, बिकॉज लोअर बैक का जो इशू है बाकियों के साथ साथ एक टाइम ऐसा था जब मुझे भी बहुत, क्या हम लोअर बैक के लिए कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं? बिकॉज 8-10 आवर्स जब हम देख रहे हैं तो वहाँ पे लोअर बैक इश्यूज ज्यादातर लोगों को आते हैं। सो सर क्या किया जा सकता है? क्या सिर्फ चेयर के साथ ही या फिर ये जो बाकी भी जो चीजें हैं जो लोगों के घर पे अवेलेबल है, आज अगर लोग ऑफिस में नहीं कर पा रहे तो घर जाके कर पा रहे हैं, तो ऐसे क्या क्या प्रॉप्स हैं जो हमारे घर में यूज करके भी वी कैन बी यू नो हेल्दी एंड यू नो लिव लॉन्ग? चलो इसके साथ मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे हम शूज पहनते हैं, जैसे ये शूज नया रहता है आपको मालूम है सोल जो है वो इक्वल एंड इवन रहता है, धीरे धीरे जैसे आप 6 महीने या 1 साल पहनेंगे नीचे देखे तो एक ही तरफ सोल आपका जीज हो जाता है। तो इधर आपको अंदर के तरफ एक आदत रखना चाहिए कि वजन डाले का शूज का ऊपर, तब वो आप समझ रहे हैं ना, ये शू है उसका ऊपर आप पैर रखे हो, चल रहे हो, शूज का बाहर वाला जो पैर है वो वजन पड़ता ही जाएगा, बाहर वाला सोल घिसता ही जाएगा। वैसा ही मैं बोलना क्या चाहता हूँ, जितना कंटिन्यूसली बैठे हैं सालों तक वो डिस्क का ऊपर एक ही जगह पे आपका वजन पड़ता ही जाएगा और वो जीज होता ही जाएगा, जैसे शूज वाला बोल रहा था। तो आपको इतना एक सिंपल सा चेंज इतना करना है कि आप बैठे हैं कभी तो ए पैर ऐसे ऊपर लेना है आप, जैसे ही आप ये ऊपर ले लेंगे पीछे वाला जो लंबार स्पाइन है उसके बाजू में जो मसल्स रहते हैं पैरास्पाइनल मसल्स वो खींचवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर एक पैर पद्मासन, थोड़ा ज्यादा नहीं अंदर आए तो भी इतना भी ठीक है। कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, आपका कुर्सी ऐसा है तो ये जो है ये जो होल है ये होल में से आपको ये पैर डालना है और आपको बैठना है। बैठ के जैसे ही एक घुटना दूसरे घुटने से दूर गया बैक का सलूशन चालू हो गए। आपका हर स्पाइन प्रॉब्लम इज ड्यू टू नीज टुगेदर। ओ माय गॉड, क्या रेवलेशन हो रहे हैं। मतलब जो लोग सिर्फ ऐसे लग के ज्यादा बैठते हैं उनको बैक इश्यूज ज्यादा आते हैं? आता है। आज योगा टीचर बैक का जो भी हम आसन सिखाते हैं स्टैंडिंग पोजिस जब आती है एक पैर दूसरा पैर से दूर जा रहा है, जैसे ही एक पैर दूसरा पैर से दूर जाएगा पेल्विक खुला हो जाएगी। पेल्विक जो बोलते हैं ना, यहाँ एक पेल्विक बोन है यहाँ एक पेल्विक बोन है, ऐसा जगह है आपको, तो एक पैर ऐसे अंदर डाल के बैठिए। बैठने के बाद ये सीधा कुछ कोशिश करिए, सीधा कितना होता है उतना यहाँ हैंडल पकड़िए और ये हाथ से ये हैंडल का ऊपर दबा के बेंट लेग से इस तरफ आने के लिए कोशिश करिए। थोड़ा बहुत बेंड किया तो भी चलेगा। जो यंग है एनर्जेटिक है उनको वीरभद्रासन कंप्लीट करने के लिए कोशिश करिए जो मैं अभी कर रहा हूँ। जिनको बहुत ही तकलीफ होती है यहाँ बहुत लॉक सा महसूस हो रहा है तो फिर ये सिर्फ ऐसे पैर ऐसे मुड़ के रखिए एंड ये देखिए कैसा मैं लॉक कर रहा हूँ। ये लॉक किया और जैसे कि यहाँ से यहाँ खींचा गया और मैं इस तरफ घूम रहा हूँ कि इससे क्या हो जाएगा, जैसे अभी मैं बता रहा था एक घुटने से दूसरा घुटना बाहर गया और यहाँ से यहाँ खींचने लगा और ये अंदर जैसे कि ये मैं फिंगर में बता रहा हूँ इसको बोलते हैं हेड ऑफ द फीमर ऐसे अंदर गया, ये हाथ से मैं दबा के थोड़ा एक बार इस तरफ घूमूंगा। ओके 7-8 ब्रीदिंग्स, दिस इज फॉर लोअर बैक एंड आप हिप जॉइंट का प्रॉब्लम सोच सकते हैं, डिस्क का प्रॉब्लम, साइटिक का प्रॉब्लम, लंबागो प्रॉब्लम, एनी लोअर बैक प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। एंड दिस इज लाइक कितना, हार्डली 10 मिनट करना, 15 मिनट्स? ये तो ज्यादा देर करने का जरूरत ही नहीं है। मतलब कितनी कितनी बार करें? इनहेल एक्सहेल अबाउट 7-8 टाइम। जो भी एक पौधा जड़ से निकालना है जड़ तक पानी जाना चाहिए तो लूज हो जाएगी जड़ बाहर निकालने के लिए। अभी आप मैं बताता हूँ स्ट्रेट करने वाला बात। यहाँ कॉर्नर पे बैठा हूँ, जैसे आप यंग है और आप ऐसे कर सकते हैं, ये घुटना पीछे है, यहाँ मैं पकड़ा और ये जो हाथ है ना ये हैंडल के ऊपर ले लिया, तो इससे क्या हो जाएगा आप सोचिए, इधर यहाँ लॉक हो गया और जैसे ही ये हाथ का यूज करूंगा हैंडल का ऊपर उठा के, अब देखिए कैसे क्या कर रहा हूँ मैं। सर इनके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है कहीं? सी कुछ गलत तो नहीं कर लेगा इंसान? बैठे बैठे आप घुटना थोड़ा ही बाहर आपने ऐसे ले लिया ना, ये देखिए ऐसा ऐसा लिया तो भी ये योगा ही है।
आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये दूसरा आसन है, जो कि मैं दोनों हाथों को घुटने को ऐसे दबाया, आप देख सकते हैं कि चेस्ट को कैसे मैं ऊपर उठाया, चेस्ट को ऊपर उठाया, बैक को कॉनकेव रखे, मैं इतना नीचे गया बस। एंड सर, ये जिन जिन को बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, वो सब ये कर सकते हैं? करना क्यों चाहिए, मैं बोलता हूँ कि हमारा बैक ऐसे घटता ही जा रहा है, आप देखिए। तो अपना ये इम्पोर्टेंट काम है, जो कि हमारा स्पाइन इतना साथ दे रहा है ऑफिस में, सालों तक आप कमाई कर रहे हो, स्पाइन के बिना कर नहीं सकते, तो स्पाइन घटता ही जा रहा है, आपका वजन ऊपर का जो भी हिस्सा वजन है 30-40-50 किलो जो वजन है, नीचे वाला जो डिस्क है फिफ्थ या फोर्थ या थर्ड लंबार वजन पड़ता ही जा रहा है, उसको थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर उठा के सांस किया तो वहां जगह मिलेगी। जैसे आप बैठे हैं, एक ही जगह पे बैठे हैं, आपको क्या लगता है इधर से इस तरफ जाओगे, क्योंकि यहाँ आप थक जाएगा, ये एरिया बोलेगा इधर से उठो और इस तरफ बैठो, जैसे आप योगा करते ही जाएंगे वैसे बॉडी का हिस्सा बोलेगा, कितने देर तक एक ही जगह पे वो आपका वजन डिस्क के ऊपर लगाओगे। कभी कभी एक घंटा दो घंटे के बाद ऐसा आपने किया ना, वो डिस्क का ऊपर आपका चेस्ट ऊपर उठ जाएगा, प्लस चेस्ट ओपन करके ऊपर देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सालों तक घंटों तक आप सिर नीचे लेके काम कर रहे हो, क्या करना है सिर ऊपर ऐसे लेना है, ऐसा नहीं, प्लीज ध्यान से देखिए क्या कर रहा हूं मैं, ये दोनों हाथ हैंडल का ऊपर रखा हूं, शोल्डर को पीछे लिया हूं, थोड़ा आगे झुक के ऊपर देख रहा हूं। एंड ये सर सारी चीजें, क्योंकि कुछ एक लोग जो है वो थोड़ा सा बस, जिनको कंफ्यूजन ये हो सकता है कि आज अगर हमें दर्द है तो भी हम ये कर सकते हैं, या दर्द से बचने के लिए ये करना चाहिए, बिकॉज दर्द होने वाले में तो कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे पेन किलर्स खा खा के ऑफिस आते हैं, तो क्या ये करने से उनकी पेन किलर्स छूट जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, आप ठहरते हैं, हल्का सा पेन चालू होती है, या बैठे तो भी पेन चालू हो जाता है, एकदम सीवियर रहा तो फिर हम जो एक एक्सपर्टीज का काम करते हैं योगा सेंटर में होना चाहिए, एकदम पेन, जब एकदम सीवियर पेन आती है या टिंगलिंग नमनेस चालू होती है, उस वक्त हमारा जो एक्सपर्टीज अपने सेंटर में करते हैं वो करना चाहिए। या आप देखिए, जैसा ही आपका ए पैर इसको ऊपर आ गया, तकरीबन पेन थम जाएगी। ओ यस, साइटिका वाला पेन। एक उदाहरण देता हूँ, एक डॉक्टर मेरे पास आते थे, उनको बैकहेक था और पैर में दर्द भी था, ठीक है, तो उनको मैं क्या बोला, आप रोज ऐसा टेबल एक रहेगा पेशेंट को एग्जामिनेशन करने के लिए, वो कैसे ठहरते हैं, ऐसे पैर रहेगा और पेट और एग्जामिनेशन टेबल को लगा के वो स्टेथोस्कोप यूज करके पेशेंट को देखेंगे, रोज ऐसा ही उनका पोस्चर है। तो उनको एक सिंपल सोल्यूशन बताया, आप एक ऐसा स्टूल रखिए कि पेशेंट देखते वक्त ए पैर लगाइए और पेशेंट को एग्जामिन करिए। एक दिन होटल में मिले थे और बोलने लगे, जो सोल्यूशन मैंने बताया वही सोल्यूशन 20 साल से मैं यूज कर रहा हूं, अब तक बैकएक नहीं है। बस इतना। सी होता क्या है, इसे ये जैसे ही ये अंदर जाएगा, सालों तक जाएगा, वो जीज बढ़ता ही जाएगा। समथिंग लाइक, जैसा ही ये पैर ऊपर गया वहां जगह चेंज हो गई, जैसे ये एक वर्टिब्रा समझिए, दूसरा एक वर्टिब्रा है समझिए, जैसे मेरा हाथ है, रोज आप बैठे हैं या ठहरे हैं वो ऐसा होता ही जाएगा, जैसे मैं हाथ बता रहा हूँ ना ये ऐसा। कुछ देर के लिए जैसे ही आपका पैर ऐसा आ जाएगा, आप ही देखिए कि पेट कैसा अंदर गया मेरा, जैसे मैं ठहरा हूँ आप देखिए पेट कैसा है मेरा, जैसे ही ये पैर ऊपर उठाता हूँ अपने आप ये वाला हिस्सा पीछे जाएगा, ये वाला पीछे गया तो फिर ये लंबर को सपोर्ट मिलेगी। तो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओह माय गॉड, तो सर ये वाली चीज़ें जो लोअर बैक से रिलेटेड हैं, हमने यू नो नेक कवर कर लिया, सर्वाइकल कवर कर लिया, वो सारे आपने बता दिए। सर लोअर बैक से बस नीचे जाते जाते, एक तो थोड़ा सा किसी को अगर डाइजेस्टिव इश्यूज़ या वो सब है, और फिर नेक्स्ट हम लेग्स पे आते हैं कि बहुत लोगों के काफ्स में पेन रहता है या फिर टोज हील्स में नमनेस और वो सारी चीज़ें हैं, तो उनके लिए क्या करें बेचारे जिनसे वॉक भी नहीं हुआ जाता। ओके, सही, कितने घंटों तक अपना पैर नीचे है, आप ऑफिस के कुर्सी का ऊपर बैठे हैं या इवन कमोड के ऊपर बैठे हैं या टेबल का ऊपर, जब आप घर में जाके अपने सोफा का ऊपर बैठते हो, घंटों तक पैर नीचे ही रहता है, तो इससे ब्लड पूरा ऊपर नहीं आता है, वहां का ब्लड कुछ ज्यादा हिस्सा थमता ही जाएगा, मसल्स का ऊपर बुरा असर पड़ता ही जाएगा, घट होते ही जाएंगे या वेरिकोज वेन्स हो जाएंगे लेडीज बेसिकली। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारा लेग्स कुछ देर के लिए ऊपर होना चाहिए, हो सके तो जैसे आप थोड़ा उठिए, यही चेयर जो दूसरा वाला चेयर रहता है
बैठ के बीच बीच में आपका पैर दूसरा वाला चेयर का ऊपर लेके आ जाइए, घुटने को स्ट्रेट रखिए, टोज को थोड़ा बहुत आपको अंदर ऐसे खींचना है। इससे क्या हो जाएगा, पीछे से काप मसल खींचा जाएगा, क्योंकि ये घट होता ही जा रहा है। हाई हील जो पहनते हैं वो तो ज़्यादा घट होता ही जाएगा, तो टोज अपने तरफ लेने का वो कोशिश बार बार करते जाना चाहिए। तो यह एक सिंपल का एक यही कुर्सी को मैं अभी आप देखिए कैसे मैं उल्टा करके, लुक एट दिस चेयर हाउ आई एम मेकिंग इट, टर्निंग इट एंड कीपिंग लाइक दिस। अच्छा, तो यहाँ एक ये स्लोप तैयार होगी। वाह, यही स्लोप का ऊपर मैं ऐसा तैरूंगा। आप बताइए क्या हो जाएगा, आपको लगेगा सर इधर बहुत खींच रहा है। मैं एज ए डॉक्टर बोलूंगा खींचना चाहिए, मसल्स खींचना बंद हो गई अर्थराइटिस चालू हो जाएगी। तो फिर ये वाला जो है काप मसल्स खींचता ही जाएगा, डेफिनेटली घुटने के लिए है, वेरिकोज वेन्स के लिए, या इवन जिनका हील में जो पेन रहता है स्पर फॉर्मेशन बोलते हैं उसके लिए भी है। ओह माय गॉड। और दूसरा उल्टा ऐसा भी है, ज्यादा रनिंग या जिम किया तो फिर मसल्स अकड़ जाएंगे। अच्छा, तो मसल्स को अकड़ने का नेक्स्ट स्टेप जो है अर्थराइटिस। दोज हु आर डूइंग हेवी एक्सरसाइजेस लाइक जिम एंड ऑल, देन मसल्स दे स्टार्ट हार्डनिंग अप, उससे जॉइंट्स के ऊपर बुरा असर पड़ते जाएगी एंड अर्थराइटिस। और जो कंटिन्यूसली कुर्सी का ऊपर बैठे हैं या ठहरे हैं, मसल्स का मूवमेंट ज्यादा होता नहीं है, उधर भी श्रिंक हो जाएगी, तो दैट ऑल्सो लीड्स टू द अर्थराइटिस। तो सर क्या हम यहाँ पे एक रेवलेशन कर रहे हैं कि जिम की वजह लोगों को योगा की तरफ ज्यादा आना चाहिए? ऑफकोर्स, एज ए डॉक्टर मैं बोलना चाहता हूँ मसल्स को तीनों क्वालिटी चाहिए, प्लास्टिसिटी चाहिए, एंडोरेंस चाहिए, पावर अप कर रहे हो, मसल्स का पावर बढ़ा रहे हो, लेकिन प्लास्टिसिटी के लिए जो काम करना चाहिए योगा आप नहीं कर रहे हो। एंडोरेंस भी योगा में ज़्यादा हो जाएगी, पावर बढ़ाने लगे ये दोनों घट जाएंगे और इट बिकम्स कॉज फॉर मेनी अर्थराइटिस। यू आर गोइंग टू इनवाइट बाय योर एक्सरसाइजेस, इफ नॉट नाउ, जल्दी तो नहीं आ जाएगा लेकिन जैसे एज बढ़ता ही जाएगा। हाँ, लेग प्रेस और वो सारे कर रहे हैं, है ना, विद दे पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द यू नो नीज एंड एवरीथिंग, जैसे ट्रोमा दे रहे हैं। हाँ, जैसे ज्यादा आप एक्सरसाइज करने लगे, हाँ, वही डायरेक्शन में आप सालों तक करने लगे, हाँ, मैकेनिकल होने लगी बॉडी का ऊपर, घंटों तक और सालों तक वो झीज होता ही जाएगा। योगा में बहुत कुछ ऐसा एंगल में स्ट्रेच करते हैं, हाँ, कि हर एक मसल्स जॉइंट्स का आजू बाजू का ढिल्ला खुल्ला हो जाएगी और अर्थराइटिस नहीं हो जाएगी। ओह माय गॉड। तो सर आज हम यू नो जिम वर्सेस योगा जो एक टॉपिक हमने छेड़ दिया है, सर जिम वालों को आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग सिर्फ जिम 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 और यू नो वो पाउडर खा खा के सिर्फ अपने यू नो डोले शोले फुलाते हैं? सर थोड़ा सा उनको एक रियलिटी चेक दीजिए कि बाकी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या वो कर रहे हैं, उसमें कितना फायदा है और कितना नुकसान है उनका। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल का यूथ सर सिर्फ अच्छा दिखने के लिए जस्ट मतलब योगा अगर उनको बोलो ना वो कहेंगे इस बॉडी नहीं बनेगी, वो कहेंगे हम अच्छे कैसे दिखेंगे। सो सर प्लीज दे नीड अ रियलिटी चेक, प्लीज दीजिए। यूनिफॉर्मिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल जिम लोगों को भी ये एहसास हो रही है, ज़्यादा भी मसल्स नहीं बढ़ाना है, तकरीबन जो भी एक बैलेंस्ड मसल्स बढ़ा के वो ज़्यादा कार्डियो के तरफ भी जा रहे हैं, आजकल मैं देख रहा हूँ वो योगा के तरफ भी आ रहे हैं। बस इतना मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भी ज़्यादा एक्सरसाइज आपने किया तो फिर उसका बुरा असर हो सकती है। तो आप शायद पूछेंगे कि योगा ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता, योगा में इतना वैरायटीज है और योगा एहसास से करते हैं। और आप इतना आप याद रखिए कि योगा वाले योगा जो करते हैं उनको इंटरनल ब्यूटी का एहसास होती है, जो हम जो जिम वाले करते हैं वो एक्सटर्नल ब्यूटी की तरफ जाते हैं। right. तो कैसा अपना बाइसेप्स रहना चाहिए, अपना पेक्टोरलाइज मसल्स कैसा होना चाहिए, लैटिस एमिस डॉर्सी कैसे होना चाहिए, एक एज होने के बाद लुक के साथ साथ इंटरनल हेल्थ एहसास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सालों तक जिम करने के बाद आपको एहसास हो जाएगी कि कहीं तो मुझे उत्साह कम होता ही जा रहा है, और उसका कारण है स्पाइन घटना, लंग्स को जो जगह होना चाहिए वो भी घट जाएगा, और मसल्स घट होते होते वेसल्स भी घट हो जाएंगे, इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन बराबर नहीं हो जाएगा, जॉइंट्स हेल्दी नहीं रहेंगे, ब्रेथ भी बराबर नहीं हो जाएगा, दिखना तो आप
अच्छे दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे एनर्जी जब घट जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी इवन योगा करने के लिए, क्योंकि एक बार मसल्स घट होने लगे हमें बहुत तकलीफ होती है आपका मसल्स खुला करने के लिए, प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप जिम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप कीजिए, बट ओवर कहीं भी मत जाइए। और बहुत सारे लोग तो सर वो स्टेरॉइड्स और ले लेके पता नहीं किस लेवल पे पहुंचना है की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं क्या ही बनना चाह रहे हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दिखना इज जस्ट वन पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट अंदर से हेल्दी रहना इज व्हाट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स, एंड वो कहीं ना कहीं आप देख नहीं पाते हैं। आप सिर्फ ऊपर ऊपर की ब्यूटी तो आपको दिख जाती है, बट सर अंदर अगर आपकी आज लंबर घट रही है, कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं, वो दिखते नहीं है ना सर। वो डायरेक्ट जब दर्द होता है तब पता चलता है कितना प्रॉब्लम हो चुका है। तो उसके लिए प्लीज इंक्लूड योगा इन योर डेली लाइफस्टाइल। योगा भी नहीं कर सकते तो आज हमने इतने सारे आपके लिए डिकोड करके दिए ये सारी चीजें। और भी आप यू नो कहीं पे भी अगर आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे सेंटर पे आना चाहते हैं, सबकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। एंड सर बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, आपको अच्छा लगा आज लोगों को बता के, बिकॉज कहीं ना कहीं इन दी एंड हम लोगों का भी बस मोटिव यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू उनके घर पे, उनके मोबाइल फोन्स पे दे सकें, ताकि इस देश को हम हेल्दी और हैप्पी बना सकें। ओह यस यस यस, सो थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द वीडियो। आई एम सो हैप्पी टू शेयर माय नॉलेज विद यू पीपल। थैंक यू सर, एंड थैंक यू गाइस, एंड फॉर मोर सब्सक्राइब।